हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मोदी सरकार की ये सफल नीतियां ही हैं जिसकी वजह से कोरोना महामारी के बीच भी सीमित साधन होते हुए भारत विश्व के दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। सरकार ने विशेष राहत पैकेज के जरिए किसान, मजदूर और आमजन का पूरा ख्याल रखा है। कृषि मंत्री ने बताया कि जहां पहले सरसों के खरीद के 400 केंद्र थे, अब की बार इनको बढ़ाकर 1850 किया गया है, जिससे प्रदेश में 8.25 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई है और 73 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारे देश का अगर बचाव रहा है कोरोना से लड़ाई लड़ी में, तो सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने सही समय पर कठिन से कठिन फैसला लेने में कोई ढुलमुल नीति नहीं अपनाई, अच्छे फैसले लिए हैं। और देश का नागरिक आज भी मानता है कि प्रधानमंत्री जी की वजह से हम दुनिया के सामने अलग देश के रूप में खड़े हैं, जहाँ कोरोना को कंट्रोल कर रखा है। इस संकट में 2047 हमारे सैंपल लिए, 120 पेंडिंग है, 1919 का रिजल्ट आ गया, 474 आदमी विदेशों से आए, 51 तबलीगी जमात के आए, कोटा से 47 विद्यार्थी लेके आए, और भाई ये पॉजिटिव के कंटेनमेंट जोन बनाए, 743 होम क्वारंटाइन के बाद भी रखे। हमारा मॉनिटरिंग है और किसानों को, एग्रीकल्चर के अधिकारियों को पता है कहीं भी टिड्डी दिखाई जाए तो तुरंत